नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति, आप लोग का स्वागत है। ठीक, तो हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं एल्गी क्या है, एल्गी किसे कहते हैं। सबसे पहले बात आती है एल्गी, व्हाट इज एल्गी। ठीक है, क्या होता है एल्गी। ठीक, जो एल्गी होता है सबसे पहले तो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, वे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। ठीक, ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट, नॉन वैस्कुलर बंडल। क्या होते हैं, नॉन वैस्कुलर बंडल। नॉन वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर एब्सेंट। जिसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, नॉन वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। एंड क्या होता है, थैलोज। क्या होता है, थैलोज। थैलोज का मतलब क्या होता है, जिसमें थैलोज का मतलब क्या होता है, देखिए थैलोज किसे कहते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ, ये तीनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, थैलोज बोला जाता है या थैलस बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे देखते हैं इसके आगे बात करते हैं। ठीक, इतना समझ आ रहा है। अब देखो जो टर्म है एल्गी टर्म सबसे पहले किसने दिया था, द टर्म एल्गी फर्स्ट वाज गिवन बाय, तो किसने दिया था, लेनियस ने दिया था। द टर्म एल्गी वाज गिवन बाय, लिखते हैं द टर्म एल्गी वाज गिवन बाय, क्या लिखते हैं, लेनियस। क्या लिखते हैं, लेनियस। क्या लिखते हैं, लेनियस ने सबसे पहले क्या किया था, टर्म दिया था, किसका, एल्गी का टर्म दिया था। ठीक, लेकिन देखो जब लेनियस ने टर्म दिया था तो इन्होंने डिवाइड किया था क्या, लैटिन वर्ड में। ठीक, एल्गी का मतलब क्या होता है। ठीक, इन्होंने क्या किया, लैटिन वर्ड में दिए हैं। देखो एल्गी मीन्स क्या होता है, इन लैटिन वर्ड, इन लैटिन वर्ड्स एल्गी मीन्स क्या होता है, एल्गी मीन्स क्या होता है, एल्गा। क्या होता है, एल्गा। क्या होता है, एल्गा। और एल्गा का मतलब क्या होता है, एल्गा का मतलब क्या है, इन्होंने बताया है सी वीड। क्या बताए हैं, सी वीड, सी वीड। सी वीड का मतलब क्या होता है, समुद्री खर पतवार होता है। ठीक है, अब देखो एल्गी के पूरे अध्ययन को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ एल्गी आर कॉल्ड एज, लिखते हैं द स्टडी ऑफ एल्गी आर कॉल्ड एज। क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एज। क्या बोलते हैं, एल्गोलॉजी। क्या बोलते हैं, एल्गोलॉजी, ओ आर आर फाइको लॉजी होता है। क्या होता है, एल्गोलॉजी, ओ आर आर फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गोलॉजी, ओ आर आर फाइकोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं फाइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, फाइकोलॉजी का ग्रीक में क्या मतलब होता है। ठीक, फाइकोलॉजी को टू ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया, कितने, टू ग्रीक वर्ड में, फाइकोलॉजी have been divided into two Greek word, two Greek word, phycus, पहला क्या था, phycus। क्या था, phycus। phycus का मतलब क्या होता है, क्या होता है phycus का मतलब, क्या होता है एल, क्या होता है phycus का मतलब, क्या होता है जी, कितने लोग को पता है, एल्गी होता है। क्या होता है, एल्गी। क्या होता है, एल्गी। ठीक, एंड स्टडी प्लस लॉगस का मतलब क्या होता है, लॉगस, एल ओ जी ओ एस, लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। क्या होता है, स्टडी। ठीक, तो क्या होता है एल्गी के बारे में ही, ये क्या है, एल्गी और स्टडी या डिस्कवर, एल्गी के बारे में ही अध्ययन करना या खोज करना ये क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी बोला जाता है या एल्गोलॉजी बोलते हैं। ठीक,
इतने पे ही आपको धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।